तेजस्वी यादव का बंगला खाली करना होगा ऐसा कहना है जिला प्रशासन का। खैर ये मामला न्यायालय में है, मैं इस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सुबह से ही राजद के जितने नेता हैं वो धरने में बैठ गए हैं और नीतीश कुमार हाय हाय का नारा लगाया जा रहा है। अब इस पर जदयू क्या कुछ कहेगी इसको लेकर के हम आ चुके हैं जदयू प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह जी के पास। सर आप एक डॉक्टर भी हैं, आपके डॉक्टर हैं, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए बड़ा ही हास्यास्पद है और इससे मुझे आश्चर्य लगता है कि राजद की संस्कृति वाले लोग लोकतंत्र में कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। अरे उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को बंगला अलॉट था, आज वो उप मुख्यमंत्री नहीं है, उनका बंगला उनसे छीना जा ले लिया जा रहा है और ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट में भी याचिका की, हाईकोर्ट ने भी आदेश खाली करने का आदेश दिया बंगला। इसके बाद वो फिर से न्यायालय में है लेकिन न्यायालय से कोई अंतरिम आदेश नहीं आया है, तो आज के दिन में जो आदेश है वही कायम है। इस पर भवन निर्माण विभाग ने खाली करने का जो बाकी प्रक्रिया थी जब करके थक गई तो डीएम को ऑफिस को आदेश दिया खाली करने का। हमारे कहना है कि ये बंगले के मामले में ऐसी नौबत की, इस तरह के नौबत को एक राजनीतिक मुद्दा देने के लिए करना और राजनीतिक गोलबंदी करना कि अन्य पार्टियां भी साथ में आए, सारे विधायक हों, तो अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करना ही है, तो इस तरह के मामलों में शो ऑफ स्ट्रेंथ करके तेजस्वी यादव अपनी भद पिटवा रहे हैं। नहीं, इस पर निजी एक हमला हो रहा है, जदयू पर ही हो रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। देखिए जो कानूनी बातें हैं ऐसे में बड़ा अजीब, अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति का अगर सफलता पर आप रोक नहीं लगा सकते तो उस व्यक्ति को बदनाम करना शुरू कर दो, ये कौन सी संस्कृति है? अरे दोनों दो इशू है, अभी के इशू में तेजस्वी यादव बंगले खाली करने के इशू पर इतना जो बवाल काट रहे हैं ये इस बात का ये इंगित करता है कि तेजस्वी यादव किस तरह से विलासी मानसिकता के हैं और उनको भोग विलास में कितनी दिन तक रुचि है कि जो वो डिजर्व नहीं करते हैं उस बंगले के लिए भी वो नाजायज ढंग से चाहते हैं कि जमी रहे और इसके लिए राजनीतिक तिकड़म कर रहे हैं और राजनीतिक ध्रुवीकरण और गोलबंदी कर रहे हैं और विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। राजद की संस्कृति में ऐसा ही है, अगर कोर्ट का आदेश हो जाता है और सजायाफ्ता होते हैं तो कभी सीबीआई गड़बड़ है, कभी इलेक्शन कमीशन में ईवीएम गड़बड़ है, कभी न्यायालय गड़बड़ है, जो इनके मनोनुकूल अगर फैसला न दे तो वो गड़बड़ है। हमें लगता है कि लोकतंत्र के लिए ऐसे राजद जैसी पार्टियां का इस तरह का मानसिकता रहना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होगी राष्ट्रीय जनता दल, ऐसा कहना है सुनील कुमार सिंह जी का। इस पर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे आगे और नेताओं से जुड़े हैं भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।